हेलो फ्रेंड्स, ऑडिट प्रोसेस के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुभव अग्रवाल है एंड आज के इस वीडियो में हम ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाई टू एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, कौन कौन से रिसोर्सेज किस एरिया में डिप्लॉय करना है, सच एज यूज ऑफ एप्रोप्रिएटली एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स, उन रिसोर्सेज को कितना एलोकेट करना है, एग्जांपल नंबर ऑफ टीम मेंबर असाइन टू ऑब्जर्व द इन्वेंटरी काउंट एट मटेरियल लोकेशन, इन रिसोर्सेज को कब डिप्लॉय करना है, एग्जाम्पल क्या पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर या किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड पर, इन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज डायरेक्ट और सुपरवाइज करना है, एग्जाम्पल व्हेन टीम ब्रीफिंग एंड डीप ब्रीफिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड, कैसे एंगेजमेंट पार्टनर या मैनेजर्स को रिव्यू करना है, एग्जाम्पल ऑन साइट और ऑफ साइट। आइए समझते हैं इस्टेब्लिशिंग ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। इन इस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप, the expected audit coverage including the number and location of components to be included, the nature of the business segment to be audited including the need for the specialized knowledge, the expected use of audit evidence obtained in previous audit. Ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of communication required. Entities timetable for reporting, example at interim or final stage, the organization of meetings with management and TCWG to discuss the nature, time and extent of audit work, the discussion with management regarding expected type and timing of reports to be issued and other communication, discussion with management regarding the expected communication on the status of audit work throughout the engagement. आइए समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। एक बार ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश हो जाता है तो ऑडिट प्लान को डेवलप किया जा सकता है, जिससे कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में आइडेंटिफाइड वेरियस मैटर्स को एड्रेस किया जा सके। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और डिटेल्ड ऑडिट प्लान को एस्टेब्लिश करते समय यह जरूरी नहीं है कि यह सिक्वेंशियल प्रोसेस हो, बट दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, क्योंकि ऑडिट प्लान में चेंज ऑडिट स्ट्रेटजी में चेंज को रिक्वायर करता है। Planning is not a discrete phase of an audit, but rather a continual and iterative process, जो previous audit के completion के बाद शुरू होता है और current audit engagement के completion तक continue रहता है। Planning, however, include करता है consideration of timing of certain activities and audit procedure, जिसे further audit procedure के performance के पहले complete करना जरूरी होता है। For example, analytical procedure to be applied as risk assessment procedure, obtain a legal understanding of the legal and regulatory framework, determination of materiality, involvement of experts, and performance of other risk procedures. आइए समझते हैं overall audit strategy and audit plan, the auditor's responsibility. Auditor planning के element को entity के management से discuss कर सकता है, although ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को डिस्कस करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑडिट का इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज न हो पाए। डिस्कसिंग द डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीडर विद मैनेजमेंट में कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट, दस एक्सपीरियंस्ड एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम के अदर की मेंबर के इन्वॉल्वमेंट को रिक्वायर करता है। तो यह था कॉन्सेप्ट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का। अगले वीडियो में मिलेंगे ऑडिट प्लानिंग के स्टैंडर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।